गुड इवनिंग गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मोहम्मद सदा पे। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड 11th क्लास का नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा का क्वेश्चन पेपर 2022 का। ठीक है, तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं ये जो पेपर है आपका यूपी बोर्ड का है, ठीक है, 11th क्लास का है, वार्षिक परीक्षा का पेपर है ये, ठीक है, एनुअल एग्जाम का। और इसका जो सब्जेक्ट है वो है नैतिक खेल एवं शारीरिक शिक्षा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। यहाँ से आपके बहुविकल्प प्रश्न स्टार्ट हैं। पहला है आपका प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आती हैं, ठीक है, तो नैतिकता संबंधी समस्याएं, निर्णय की क्षमता, आचरण की समस्या, तो हर व्यक्ति के जीवन में ये समस्याएँ आती हैं। ठीक है, नैतिक संबंधी समस्याएँ भी आती हैं, निर्णय की क्षमता, आचरण की समस्या। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, उपर्युक्त सभी। ठीक है, आगे देखिएगा, साक्षर भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ठीक है, 2011, 2009, 2014, 2010, तो ये की गई थी 2011 में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आगे देखिएगा, सभी राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिकता कहलाएगी, सभी राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त नागरिकता कहलाएगी, विश्व नागरिकता, गहरी नागरिकता, दोहरी नागरिकता, भारतीय नागरिकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दे, भारतीय नागरिकता। आगे देखिएगा, भगवान राम के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए वाल्मीकि, ऑप्शन बी वशिष्ठ, ऑप्शन दी संदीपनी, ऑप्शन दी परमहंस। तो भगवान राम के जो गुरु थे वो थे गुरु वशिष्ठ। ठीक है, आगे देखिएगा, केदारनाथ घाटी की भयानक बाढ़ किस राज्य की घटना है। ठीक है, केदारनाथ घाटी की भयानक बाढ़ किस राज्य की घटना है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन दी छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए उत्तराखंड। यहां से आपके अति लघुत्तर प्रश्न हैं। ठीक है, सत्य का आचरण किस प्रकार करना चाहिए, तो ये क्वेश्चन आपको लिख देने हैं। ठीक है, किसी भी टाइप से जैसे आपकी समझ हो, इसमें कोई इस टाइप से नहीं होता कि इसका आंसर ही बस यही है। ठीक है, बुक से देख के आप कर सकते हैं इन्हें। और यहाँ भी देखिएगा, यहाँ भी आपके क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फेल हो जाने के डर से क्या होता है, सजीव विश्व का आधार क्या है, जनसंख्या विस्फोट से उत्पन्न दो समस्याएँ, पैदल चलते में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, भारतीय नागरिकता के दो मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए, चाइल्ड लाइन से आप क्या समझते हैं, बाल विवाह अधिनियम का प्रावधान लिखिए, दहेज निरोधक अधिनियम के जुर्माने की राशि क्या है, बाल मजदूरी से क्या आशय है। ठीक है, और यहाँ पे हैं आपके अति लघुत्तर प्रश्न। ठीक है, उत्तर सीमा 150 शब्द, तो आप लोग पढ़ सकते हैं इन्हें भी। ठीक है, तो गाइस बस इतना ही था पेपर में आप लोगों के, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपके अति लघुत्तर के बाद में, लघु उत्तर के बाद में आपके यहाँ पर, ठीक है, ये हैं देखिए, कर सकते हैं आप कन्या भिरूढ़, जीवन जीने का अधिकार, मूल कर्तव्य है, और उसके बाद में यहाँ से आपका विस्तृत उत्तर ये है। ठीक है, 300 शब्दों में आपको लिखना है, सत्य, अहिंसा, पर्यावरण। ठीक है,